अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमन फ्रॉम सिसी टेक। वेलकम बैक फिर अनदर अमेजिंग वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप 10,000 से लेकर 70,000 की रेंज तक कौन सा लैपटॉप बाय कर सकते हैं और उस लैपटॉप पर आप कौन कौन सी वर्किंग कर सकते हैं। जो लैपटॉप मेरे पास मौजूद होगा वह मैं आपको दिखा दूंगा, जो नहीं होगा उसकी पिक या उसकी वीडियो मेरे पास मौजूद होंगी वो मैं दिखाऊंगा। इस वीडियो से आपको ये मदद मिल जाएगी कि अक्सर आजकल यार ऑनलाइन क्लासेस का सीन है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा किस प्राइस रेंज में ये लैपटॉप आएगा और क्या वर्किंग कर सकते हैं, तो आपके लिए आसानी होगी। मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है इस बिजनेस फील्ड में, तो मैं इस वजह से आपके लिए ये वीडियो ले आया हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैपटॉप की बात करें तो आपको डेल इंस्पायरॉन 1415 मॉडल है, कोर i3 सेकंड जनरेशन में ये लैपटॉप आता है, 4GB रैम, 320GB हार्ड ड्राइव के साथ, 14-inch स्क्रीन साइज। अगर रेजोल्यूशन की बात करें तो 768 रेजोल्यूशन है। उसके अलावा आपको सीडी रोम भी प्रोवाइड किया गया है इस लैपटॉप में। अगर आप SSD भी लगवाएं, 2 हार्ड ड्राइव एट ए टाइम भी चल सकती हैं। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 10,000 से लेकर 15,000 तक की रेंज में ये आपको मार्केट से अवेलेबल होगा। अगर इस पे वर्किंग की बात करें तो आप MS ऑफिस इजीली चला सकते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपका इजीली चलेगा। उसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस के लिए बहुत अच्छा लैपटॉप है। जूम कैमरा इसमें है, 760 वेब कैम इसमें अवेलेबल है, जिससे आप इजीली अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो और मूवी वगैरह के लिए भी ठीक है। इस बजट के लिहाज से ये बेस्ट लैपटॉप है। और अगले लैपटॉप की बात करें तो अगले लैपटॉप 20 से 22,000 की रेंज में आते हैं। 2 लैपटॉप डेल के 6420 और 5420 दोनों 4 और 5 सेकेंड जनरेशन में लैपटॉप है, 4GB रैम, 320GB हार्ड ड्राइव के साथ ये लैपटॉप प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। 20 से 22,000 रेंज है वर्किंग। आप इससे डेल के पिछले वाले लैपटॉप से काफ़ी अच्छी कर सकते हैं, स्पीड आपको काफ़ी तेज़ मिलेंगी, इस वजह से इसकी प्राइस रेंज में भी डिफरेंट है। तो ये 2 लैपटॉप आपको मिल सकेंगे 20 से 22,000 की रेंज में। अगर इसी प्राइस रेंज में 20 से 22,000 के HP के लैपटॉप की बात करें तो आपको 8460 लैपटॉप प्रोवाइड किए गए और 6460 2 लैपटॉप हैं इस प्राइस रेंज में, i5 सेकंड जनरेशन। अगर आपको HP का ब्रांड पसंद है तो वो आप ले सकते हैं, दोनों कोर i5 सेकंड जनरेशन में। अगर उसकी स्पेसिफिकेशन बात करें, 4 320GB 14-inch स्क्रीन साइज में वो लैपटॉप आते हैं, वो भी बहुत अच्छे लैपटॉप है, आप वो भी इजीली बाय कर सकते हैं, आपका अच्छा काम चलेगा उस पर भी। अगर आगे चले अगले लैपटॉप की बात करें तो ये लैपटॉप की बजट है जो 22 से 25 के दरमियान है। इस लैपटॉप का मॉडल बताऊँ, डेल इंस्पायरॉन 3542 i3 4 जनरेशन में ये लैपटॉप आता है, 4GB 500GB हार्ड ड्राइव, 15.6-inch स्क्रीन साइज, न्यूमेरिक पैड कीबोर्ड के साथ आता है। ये लैपटॉप आप इजीली ऑफिस में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लैपटॉप है ऑफिस वर्क के लिए, इसीलिए आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। 2 स्लॉट होती हैं इसमें भी, आप 8GB रैम भी करवा सकते हैं, 16GB जितनी आप इजीली चाहें, 2 स्लॉट हैं तो आप करवा सकते हैं। और इस लैपटॉप की खास बात ये है कि इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं वो बहुत ही कम दूसरे लैपटॉप में मिलेंगे, 15-inch स्क्रीन साइज और 768 रेजोल्यूशन, सीडी रोम भी प्रोवाइड किया गया इसमें और न्यूमेरिक पैड कीबोर्ड के साथ ये लैपटॉप आता है। बहुत खूबसूरत स्लिम सा लैपटॉप है, ये आपको 22 से 25,000 की रेंज में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर 25 से 30,000 की रेंज में लैपटॉप की बात करें तो आपको डेल का 6430 लैपटॉप प्रोवाइड किया गया, 5430 2 लैपटॉप है, दोनों 14-inch स्क्रीन साइज, 4GB 320GB के साथ, 3rd जनरेशन में। इसमें भी आप इजीली ऑफिस वगैरह सारी चीज़ें चला सकेंगे। और अगर HP में बात करें तो आपको HP में HP प्रो बुक 6470 प्रोवाइड की जाएगी और 8470 2 लैपटॉप आते हैं HP के, बहुत अच्छी सीरीज है दोनों लैपटॉप की, प्रो बुक और एलीट बुक है। अगर इस पर वर्किंग की बात करें तो आप इसमें फोटोशॉप में भी काम कर सकते हैं, दोनों लैपटॉप में, डेल में भी और HP में भी, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी लैपटॉप है। अगर आप और अगर 3rd जनरेशन में एक और लैपटॉप की बात करें तो मोस्ट ब्यूटीफुल सीरीज HP एनवी टच स्क्रीन के साथ ये लैपटॉप है, अल्ट्रा बुक 4 इसका नाम है जी, 4GB 500GB हार्ड ड्राइव के साथ, टच स्क्रीन के साथ आपको ये लैपटॉप मिल जाएगा, बहुत ही खूबसूरत लैपटॉप है। अगर वर्किंग के हिसाब से बात करें तो इस पर आप इजीली फोटोशॉप, कोरल ड्रा, इलस्ट्रेटर इजीली चला सकते हैं, बहुत अच्छा लैपटॉप ये HP एनवी सीरीज में, ये 35,000 तक आपको मिलेगा। आपको इसके अलावा फर्दर कोई पसंदा ब्रांड, उसमें आपको अगर लेनोवो की बात करें तो आपको लेनोवो में T430 थिंक पैड सीरीज में लैपटॉप बहुत खूबसूरत और वो डीड मशीन है, उसकी बैटरी टाइमिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी HP और डेल के लैपटॉप से, लेकिन उसका एक इशू है कि उसके पार्ट्स बहुत महंगे होते हैं।
बाद में अगर आपका कोई फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता कोई इशू आ जाता है तो उसके लिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पैसे ज़्यादा। उसका कीबोर्ड अगर डेल एचपी का कीबोर्ड की बात करें तो 1200 का है, अगर उस लैपटॉप के कीबोर्ड लेनोवो की बात करें तो वो तकरीबन 3000 तक मिलेगा। बस ये इशू है, बाकी वो लैपटॉप एचपी डेल से बहुत बेहतर है मेरे एक्सपीरियंस से, मैंने अब तक देखा है वो बहुत बेहतर लैपटॉप है एचपी और डेल से। आगे चलें, कोर i5 फोर्थ जनरेशन, ये लैपटॉप आपको मिलेगा तो भाईजान कोई 35 से 40 के दरमियान कोर i5 फोर्थ जनरेशन। इसमें सीरीज भी मैं आपको अच्छी बताऊंगा ताकि आपको मसला कोई ना हो। आप इस पे फोटोशॉप भी चला सकते हैं, अडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा और बाकी इस तरह की चीज़ें भी चला सकते हैं इजी है। अगर डेल में भी एचपी में, डेल की अगर बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, माय फेवरेट डेल लैटिट्यूड 5440 लैपटॉप बहुत अच्छा है। कोर i5 फोर्थ जनरेशन 4500 के साथ ही आता है, 4GB रैम, 500GB हार्ड ड्राइव के साथ। और इसकी अगर मैं बैटरी टाइमिंग की बात करूँ, 3 आवर प्लस बैटरी टाइमिंग देता है आपको। और इसमें बहुत सबसे अच्छी मुझे चीज़ लगती है ना, इसको अगर आप 2-3 मंथ शटडाउन ना करो तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीड सीरीज है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ इजीली चलेगा उस पर, ठीक है। जूम तो छोड़ ही दे, वो तो बहुत पीछे की बात है, ठीक है। इस वजह से ये मेरी फेवरेट सीरीज है। ब्लैक कलर में ये लैपटॉप आता है। उसके बाद डेल की दूसरी लैपटॉप की बात करें तो डेल में आता है 6440 गोल्डन कलर में, ये लैपटॉप प्रोवाइड किया गया है 14 इंच 4500 के साथ। ये भी बहुत अच्छा लैपटॉप है। लेकिन नेक्स्ट अगर कोर i5 फोर्थ जनरेशन में ही बात करें 32 से 40 हज़ार के दरमियान, तो अगली एचपी में जो मेरी फेवरेट सीरीज आती है वो है एचपी एलीट बुक 840G1 प्रॉपर मॉडल, 4GB रैम, 500GB या 320GB हार्ड ड्राइव के साथ ये आपको मिलेगा। इसमें आपको M2 कार्ड की भी ऑप्शन मिलती है, छोटे वाला SSD कार्ड भी लगा सकते हैं आप। और बैटरी टाइमिंग इसमें आपको 4 आवर प्लस मिलेगी, और क्योंकि इसमें लिथियम सेल आती है। इसमें सीडी रोम की प्लेस भी आपको मिलेगी, लेकिन बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। 14 इंच स्क्रीन साइज है, 14 इंच ब्लैक एंड सिल्वर कलर कॉम्बिनेशन है। कोर i5 फोर्थ जनरेशन 4GB रैम, 500GB हार्ड ड्राइव के साथ, 14 इंच स्क्रीन साइज, 768 रेजोल्यूशन। तो ये भी बहुत अच्छा लैपटॉप आपके लिए साबित होने वाला है HP का। इस पर भी आप जो मर्जी काम करें इजीली आपको मसला नहीं करेगा। और ये HP की ये सीरीज आपको मैं गारंटी कह सकता हूँ आपके 3 साल इजीली निकालेंगी अगर आप एहतियात से यूज़ करेंगे। तो आगे चले फोर्थ जनरेशन में लेनोवो की तरफ। लेनोवो में बहुत से लैपटॉप आते हैं फोर्थ जनरेशन में। सबसे पहले मेरी जो फेवरेट सीरीज है लेनोवो में T440 सीरीज, T440। इसमें 2 बैटरीज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, 6 आवर प्लस बैटरी टाइमिंग आपको दिया जाएगा, और 768 रेजोल्यूशन में भी आती है, 1080p रेजोल्यूशन। कोर i5 फोर्थ जनरेशन 4GB 500GB के साथ ये आपको मिल सकता है 40,000 तक। बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। इसमें भी आपको ये प्रेफर की गई है कि आप इसको 6 मंथ तक शट डाउन ना करें तो इसको कोई मसला नहीं होने वाला। तो आप इजीली यूज़ करें, जैसे मर्जी रफ यूज़ करें, इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। उसके बाद इसमें ये भी सबसे बड़ी रीज़न है कि इसमें 2 बैटरीज होने की वजह से ये आपको बैटरी टाइम बहुत अच्छा देती है। किसी में होती हैं किसी में नहीं, वो अगर आप लेंगे शॉपकीपर से कंफर्म कर लें इसमें 2 हैं या 1, ठीक है। वो आप अगर 1 होगी तो उसकी प्राइस कम कर देगा, अगर 2 होंगी तो प्राइस 40 के राउंड अबाउट ही होगी। आगे चले लेनोवो में दूसरे लैपटॉप की तरफ। तो लेनोवो में i7 फोर्थ जनरेशन में मेरी फेवरेट सीरीज, प्राइस रेंज की बात करूं तो आपको 40 to 50,000 में ये लैपटॉप मिलेगा। कोर i7 फोर्थ जनरेशन 8GB रैम, 256GB SSD M2। इसमें रैम बिल्टन होती है, SSD M2 कार्ड आप चेंज कर सकते हैं कभी भी, जितना मर्जी आप लगा सकते हैं रैम, लेकिन 8GB से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। इस लैपटॉप में मेरी सबसे फेवरेट चीज़ बहुत ही स्लिम लैपटॉप ये है, बहुत ही स्लिम लैपटॉप प्रोवाइड किया गया। आप इसको जैसे मर्जी यूज़ करें, इसकी बैटरी टाइमिंग की बात करें 3 आवर प्लस है। इसमें आपको X1 कार्बन में एक चीज़ खास मिलती है, इसमें आपको टच बार प्रोवाइड की गई है। टच बार से आप फंक्शन कीज़, वॉल्यूम अप डाउन, ये सारी ऑप्शन देख सकते हैं आप इजीली का। ये अभी तक एप्पल में आई है, इस वजह से ये लैपटॉप बहुत ही अच्छा है। इस वजह से इसकी प्राइस भी दूसरे लैपटॉप की कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होगी। तो ये लैपटॉप भी बहुत अच्छा लैपटॉप है, ये मुझे बहुत पसंद है। आगे चलें, अगर हम
फिफ्थ जनरेशन की तरह फिफ्थ जनरेशन में आए, कोर फाइव फिफ्थ जनरेशन एचपी का ही लैपटॉप। उसमें अगर बात करें एचपी के लैपटॉप में एचपी 840G2 में आपको पूरे 5 फिफ्थ जनरेशन में लैपटॉप है, 4GB रैम 500GB हार्ड ड्राइव के साथ, ये भी आपको 40-50,000 के राउंड अबाउट मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत लैपटॉप है, ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन, G1 और G2 सेम लैपटॉप है, बस उनमें आपको प्रोसेसर का डिफरेंस मिलेगा, बाकी बॉडी लुक सेम है, उसका बाकी सारी चीज़ें सेम लग सकती हैं। इसमें भी आप इजीली जो मर्जी काम करें, ऑफिस यूजेज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। और ये लैपटॉप एलीट बुक में आते हैं, एचपी में एलीट बुक और प्रो बुक प्रोफेशनल होती हैं, जो लोग प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं इन दो सीरीज़ के अलावा ना लें एचपी में, ठीक है। डेल में लैटिट्यूड सीरीज आती है प्रोफेशनल, और लेनोवो में थिंकपैड सीरीज। इसके अलावा अगर प्रोफेशनल यूज़ करना है तो इन तीनों सीरीज के अलावा कोई लैपटॉप ना खरीदें, ठीक है। और अगर डेल में ही हम बात करें इंस्पायरॉन की, डेल में इंस्पायरॉन कोर i5 फिफ्थ जनरेशन 4GB 500GB 15 इंच स्क्रीन साइज में ये लैपटॉप प्रोवाइड होता है, न्यूमेरिक पैड कीबोर्ड के साथ ये आपको लैपटॉप मिलेगा। ये 3542 से बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन इसमें प्रोसेसर का डिफरेंस होगा, तो ये लैपटॉप आपको मिल सकता है तकरीबन 45-50,000। इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि ये 15.6 इंच स्क्रीन साइज में। आगे चलें अगर हम सिक्स जनरेशन की तरफ, सिक्स जनरेशन में मेरा जो फेवरेट लैपटॉप है 840G3 इस टाइम मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको पिक्स दिखाऊंगा। स्लिम सा लैपटॉप है, सिल्वर कलर में आता है, कोर i5 सिक्स जनरेशन 8GB 256M2 कार्ड, और उसमें आपको हार्डवेयर भी मिल सकती है 500GB। अगर इस लैपटॉप की प्राइस रेंज की बात करूँ तो ये लैपटॉप आपको 55-65, अगर आप उसमें 256M2 कार्ड लेंगे तो आपको 62 तक मिलेगा, अगर आप हार्ड ड्राइव और SSD दोनों लेंगे तो आपको 65,000 तक वो लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा। अगर सिक्स जनरेशन में ही लैपटॉप की बात करें, दूसरे की HP की कोर i5 सिक्स जनरेशन में लैपटॉप है, प्रो बुक में सीरीज आती है, आपको ये लैपटॉप बहुत ही अच्छा ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन मिलेगा, 768 रेजोल्यूशन, कोर i5 सिक्स जनरेशन, 8GB रैम 256 और 500GB। इसकी प्राइस रेंज भी वही सेम है 55-65, तो इसमें भी आप इजीली कोई सा भी काम कर सकते हैं। गेमिंग के लिए बहुत अच्छा लैपटॉप है, मतलब कि गेमिंग हैवीली नहीं कर सकते, पबजी इजीली चलेगी आपकी, या इसके अलावा छोटी मोटी गेम, GTA नहीं चला सकते, बाकी उसके अलावा छोटी मोटी गेम इजीली चलेंगी इस पर। पबजी बहुत अच्छी चलेगी, एज मैंने खुद इस पर एक्सपीरियंस किया हुआ है इस वजह से। उसके बाद चलें आगे डेल की सीरीज की तरफ, डेल में ये शाइनिंग लुक में आपको लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा, डेल इंस्पायरॉन 555 मॉडल है इसका, कोर 7 6 जनरेशन, 2GB रेडियन का ग्राफिक कार्ड मिलेगा और 8GB रैम 500GB हार्ड ड्राइव के साथ, ये आपको 65-70,000 के राउंड अबाउट, 15.6 इंच है, 768 रेजोल्यूशन, न्यूमेरिक पैड कीबोर्ड के साथ ये लैपटॉप प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद चलें आगे कोर i5 सेवन जनरेशन की तरफ, तो कोर i5 सेवन जनरेशन में बहुत से लैपटॉप आ जाते हैं, डेल में भी, एचपी में भी, डेल एचपी में G5 सीरीज आ जाती है, और डेल में इंस्पायरॉन में 5559 में लैपटॉप आ जाते हैं, लेकिन मेरे जो इस डेल के अलावा जो फेवरेट एक लैपटॉप है एसर एस्पायर है, ठीक है, कोर i5 सेवन जनरेशन 8GB रैम 256GB SSD 14 इंच स्क्रीन साइज और टच स्क्रीन के साथ ये लैपटॉप प्रोवाइड किया गया। इसमें बैकलाइट भी आपको मिलेगी। ये प्राइस रेंज के हवाले से आपको मैंने लैपटॉप बता दिए हैं कि आपको ये लैपटॉप इस प्राइस रेंज में मिलेगा, अगर आप इसे कम करवा सकते हैं तो बेशक करवा लें, अगर ज़्यादा मांगे तो बिल्कुल हरगिज़ ना दें, बार्गेनिंग करके कम कर लेगा वो, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आपके साथ कोई धोखा ना हो, फ्रॉड ना हो, और अगर आपको लैपटॉप बाय नहीं करना था, मतलब कि आपको ये नहीं पता कौन कौन सी चीज़ें चेक करते हैं, तो आई बटन में ऊपर वीडियो आ रही होगी, उसमें जाके चेक करें, मैंने वीडियो बना चुका है कि कौन कौन सी चीज़ें चेक करें लैपटॉप खरीदते हुए, ठीक है, ताकि आप किसी के धोखे से बचें। तो यदि मेरी तरफ से वीडियो, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मैंने भी बहुत मेहनत की है सारे लैपटॉप उठा के लाए। अगर इन लैपटॉप के बारे में, इन लैपटॉप में से जो मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं नीचे नंबर मेंशन कर रहा हूँ व्हाट्सएप, उस पर जाके आप मैसेज कर सकते हैं उन भाई को, उनसे पूछ सकते हैं, बेसिकली मेरे बड़े भाई हैं, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा।